ऑडियो स्क्रीन नोट 12 चैप्टर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मु तुमको पढ़ाऊ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन गोटे लॉन्ग क्वेश्चन थिला आउ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन रे आमे फ्लोरोसिस पर्यंत पढ़ी फ्लोरोसिस जो डिजीज होउछि से फ्लोरोसिसटा फ्लोराइड पे हेथाय जेतेबेले ग्राउंड वाटर रे अधिका मात्रा रे फ्लोराइड रहुछि बा फ्लोरीन रो कंटेंट बढ़ुची एवं से ही वाटर को आम जो व्यवहार करुँचंती यूज करुँचंती कंज्यूम करुँचंती से ही समय आम बॉडी रे फ्लोरोसिस होउची ए जो फ्लोरोसिस इटाको फ्लोराइड पॉइजनिंग पे होउची एवं गोटे मेजर ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन बुझेगा आर्सेनिक पॉइजनिंग टाइप रो ए फ्लोराइड पॉइजनिंग टा गोटे मेजर प्रॉब्लम ग्राउंड वाटर रे ए फ्लोरोसिस पे ब्लैक एंड टीथ हुए ब्लैक एंड माने दांत कला पड़ जा दात गुड़ाक क्राक होगा क्राक हवा दात गुड़ फाटी दात गुड़ाक भांगी एमती है जॉइंट डिफर्मिटीज होतीत गैस्ट्रो इंटेस्टिनाल प्रॉब्लम्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनाल प्रॉब्लम्स भी होने आमर जो डाइजेस्टिव सिस्टम रे किसी आवेरेसन देखा प्रॉब्लम क्रिएट हम सेमती न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुए न्यूरोलॉजिकल माने आम ब्रेन रिलेटेड फंक्शन रे किसी अबनॉर्मालिटीज होवस्था सृष्टि एवं ये जो फ्लोराइड कंटामिनेशन टा ये डीप एक्विफर्स रे माने जो गुड़ाक सब आम जो गभीर जल उत्स जो गुड़ाक रही गभीर जल उत्स गुड़ाक डीप एक्विफर्स कहते से गुड़ाक फ्लोराइड जो कंटामिनेशन ड्यू टू लीचिंग और परकोलेशन ऑफ फ्लोरीन और फ्लोराइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बा पृथ्वी पृष्ठ उपरे ए फ्लोराइड रो कंटेंट बढ़िले तापर धीरे धीरे लीचिंग हे परकोलेशन हे ये ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करी थाए। नेक्स्ट लाइन फ्लोरोसिस इज नाउ एंडेमिक इन 19 स्टेट ये जो फ्लोरोसिस जो प्रॉब्लम वर्तमान देखा दौची हेल्थ हजार्ड क्रिएट ये पाखापाखि आम देश में 19 राज्य में ये बहुत अधिक मात्रा में देखा जाउची पाखापाखि 65 मिलियन पीपुल ता माने हला कि 10 लाख्स को आमे 1 मिलियन कहूँ 10 लाख्सटा गोटे मिलियन तो 65 मिलियन माने 65 × 10 कले से लाख पीपुल अफेक्टेड होती बुझेगा ता माने पाखापाखि 6 करोड़ भाया लोक माने अफेक्टेड बाय फ्लोरोसिस। नेक्स्ट लाइन 12 villagers 1200 villagers माने लोक अफ झरणा खुर्द होची गोटे गाँ ये जयपुर राजस्थान रे अच्छे जयपुर राजस्थान रो गाँटे राजस्थान रो जयपुर पाखापाखि राजस्थान रो राजधानी है जयपुर से जयपुर पाखापाखि झरणा खुर्द गोटे भिलेज जोठी पाखापाखि 1200 लोक 1200 पीपुल आर अफेक्टेड बाय ए फ्लोराइड पॉइजनिंग बुझेगा केमी इफेक्ट पाखे कौन देखाला कि दे लुक ओल्ड एम देखा जाते ओल्ड मैंने बुढ़ा भाया देखा जाते ड्यू टू दिस फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस जो एम पाखे मानने पूरा मैच्योर बा ओल्ड एज टाइप रो आपियरेंस देखा दे बुझेगा एवं आम ओडिशा रे अनगोल डिस्ट्रिक्ट आम ओडिशा रे अनगोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज ऑल्सो फेसिंग सच ए प्रॉब्लम ये जो फ्लोराइड पॉइजनिंग आर्सेनिक पॉइजनिंग रो प्रॉब्लम आम देश आम जो ओडिशा आम राज्य रे अनगुल रे देखा जाउछ अनगुल जिले रे देखा जाउछ बुझेगा। नेक्स्ट ये जो प्रॉब्लम क्रिएट है फ्लोराइड पॉइजनिंग आर्सेनिक पॉइजनिंग तथा आउ जहाँ सब वाटर ग्राउंड वाटर जो पॉल्यूशन होता रिसर्च करी यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस रो गोटे चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड अच्छी से लो कॉस्ट डोमेस्टिक डिफ्लोरिनेशन फिल्टर यूनिट्स गुड़ाक तैयारी करी घर मानक जोगेबा आरंभ कर बहुत कम खर्च रे कम कॉस्ट रे दाम रे यूनिसेफ डिफ्लोरिनेशन फिल्टर गुड़ाक डिफ्लोरिनेशन वाटर फिल्टर गुड़ाक तैयारी करी साधारणतः लोक मानक पाखरे पहुंचेबार व्यवस्था करी यूनाइटेड नेशंस एटा UNICEF हला यूनाइटेड नेशंस गोटे चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड ताकू कहउछन्ती यूनिसेफ
संस्थाटी यूनाइटेड नेशन जातिसंघर संस्थाटी जो डीफ्लोरिनेशन तमाने कि वाटर केमती फ्लोरीन टाक फिल्टर करके बाहर कर दी हेब से फिल्टर मानक आम घर मानक जो फिल्टर यूज करें नॉर्मली वाटर रे जो सब पार्टिकल नेचर पोल्यूटेंट गुड़ाक रही सॉयल पार्टिकल अन्य पार्टिकल गुड़ाक फिल्टर द्वारा फिल्टर होता है फिल्टर गुड़ाक से गुड़ाक छाणी हो जाए। बट ये यूनिसेफ तैयारी कर जो यूनिट गुड़ाक सप्लाई करुच्ची प्रत्येक घर मानक बहुत कम खर्च कम दाम से जो डीफ्लोरिनेसन फिल्टर गुड़ाक फ्लोरीन टाक अन्यान्य जो रही पल्यूटांट सलीड पल्यूटांट गुड़ाक सहित यही फ्लोरीन टा फिल्टर ही बा छाणी होगी रही पार एवं तापर जो पानीटा आम पाइबा से पानीटा को आम पीपर। देन पल्यूटांट्स फ्रम सेप्टिक टैंक्स, सेप्टिक टैंक्स मैंने जो बाथरूम टांकी रही सरी जो आम जो लैट्रिन टैंक रही सेप्टिक टैंक्स, वेस्ट डम्प्स जो आम आवर्जना जमा कर लैंडफिल्स, लैंडफिल्स मैंने लैंडफिलिंग जो जगार होता लैंडफिल्स है लैंडफिल मैंने जो सॉलिड वेस्ट गुड़ाक आम लैंडफिलिंग व्यवहार करूँ लैंडफिल्स कहते आउ थे कहूँ लैंडफिल मैंने सॉलिड वेस्ट यूज्ड फॉर लैंडफिलिंग तमें खालो जगार है खालो जगह को समतल करने समतुल करने प्लेन करने जो वेस्ट मटेरियल से पका जागुड़ा लैंडफिल्स कहते। देन अंडरग्राउंड पाइप्स, अंडरग्राउंड पाइप मैंने बहुत समय विभिन्न जगार तेल जो आम सब ट्रांसपोर्ट हो क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट अंडरग्राउंड पाइप देखिए से गुड़ाक सब ट्रांसपोर्ट हो बुझेगा। तो यही सबु यू सोर्स रु विभिन्न प्रकार वेस्ट मटेरियल गुड़ाक युड़ाक सीप बा लीक हो जाकि अंडरग्राउंड वाटर में मिशुची बुझेगा। सेप्टिक टैंक रु कि वेस्ट डंपिंग जो कि कौटी लैंडफिल्स आम पकईचु कि अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन आम बिछेचु किंबा अन्य कौन सी टैंक जो अंडरग्राउंड टैंक रही कौन सी टैंक आम रखीचु अंडरग्राउंड मटी तले से विभिन्न आवर्जना बा वेस्ट मटेरियल गुड़ाक लीक हो सीप कर जा ग्राउंड वाटर में मिशुची अंडरग्राउंड वाटर में मिशुची। नेक्स्ट लाइन दिज कंटामिनेशंस लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम ये जो कंटामिनेशन होपमिश्रण होटी तले दे लास्ट फॉर लॉन्ग माने ये गुड़ाक बहुत अधिका समय पर्यंत रहुची सिंस द वाटर इज नॉट फ्लश्ड कंप्लीटली नॉर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स काहेकि ये कंटामिनेशन गुड़ाक बेसी समय पर्यंत ग्राउंड वाटर रहुची कारण से ग्राउंड वाटर जो सोर्स टाक अच्छी ताको आम कम्प्लीटली पानीटा को बाहर करी बाहर को पकई दौनु किंबा सेठी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वाटर थेबा ए जो वेस्ट गुड़ाक डिकम्पोजिशन करी पारु नहांती सेथि पाई जते बड़े कंटामिनेशन होची ग्राउंड वाटर रे से कंटामिनेशन हेबा द्वारा पानी रे वेस्ट मटेरियल गुड़ाक बहुत अधिका दिन पर्यंत ए गुड़ाक परसिस्ट करंती बा से पानी रे मिसिकी रही थाए। नेक्स्ट लाइन कंटामिनेंट्स लाइक लीड, आर्सेनिक, फ्लोराइड्स रिमेन इन द अंडरग्राउंड वाटर फॉर मेनी इयर्स ये जो कंटामिनेंट गुड़ाक लीड है बुझेगा लीड सीसा आर्सेनिक एवं फ्लोरीन ये गुड़ाक जदि पानी रे मिशुचे ग्राउंड वाटर मिशु ये वर्ष वर्ष धरी शह शह वर्ष पर्यंत पानी रे रहुचे हैला ये हैला ग्राउंड वाटर पल्यूशन केमिति होउची से विषय आम जानिले। एबे ग्राउंड वाटर पल्यूशन रे जदि ग्राउंड वाटर जदि पल्यूशन होइछि से गुडाको केमिति आम कंट्रोल करिबा से विषय जानिबा कंट्रोल मेजर्स ऑफ ग्राउंड वाटर पल्यूशन कंट्रोल करिया पहिले कोन सब प्रोसेस रहिछि से विषय रे टिके बुझिबा ग्राउंड वाटर पल्यूशन को कंट्रोल केमिति करा जिवो। यूज ऑफ ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सर्विसेस एट होम आम समय समय रे घर मानक जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स अच्छी कूओ किंबा बोरिंग रही गुड़ाक जो पल्यूशन से गुड़ाक टेस्टिंग करके समय समय आम जाणिनेबा उचित केते मात्रा रे पल्यूटेंट मिशुची किंबा इंडस्ट्री जो सोर्स रही बोरिंग रही चाष जमी जो बोरिंग रही बोरवेल रही ग्राउंड वाटर गुड़ाक करू आम किसी मात्रा रे वाटर नहीं कि आम टेस्टिंग करवा से गुड़ाक रेगुलरली मॉनिटर करवा के मात्रा रे पल्यूटांट से पानी रे ग्राउंड वाटर में मिशुची आम जापर से ही अनुसार आम तार प्रिकॉशन मेजर नहीं पार से ही अनुसार आम तार सेफ्टी मेजर्स फॉलो करी ये प्रथम। सेकेंड लाइन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज कंटेनिंग कंटामिनेंट्स
प्रॉपर डिस्पोजल डिस्पोजल माने हम जो बाहर फोपाड़ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज कंटेनिंग कंटामिनेंट्स आम जो वर्ज्य वस्तु बाहर फोपाड़ी दौंस से गुड़ाक उचित भाव से गुड़ाक आम डिस्पोज करवा उचित आम इड सियाड़े फोपाड़ी नदी आम वर्ज्य वस्तु जहाँ सब बाहर डोमेस्टिक वेस्ट से गुड़ाक आम प्रॉपर्ली गोटे पार्टिकुलर जगह से गुड़ाक डंपिंग करवा तार मैनेजमेंट करवा दरकार बुझेगा इड़े सियाड़े आम एपटे सेपटे टाउन बाहर जो भी पारे से आजिकलिका डंपिंग कराऊ सब करवा द्वारा बेसी मात्र सरफेस व्वाटर पल्यूशन ग्राउंड व्वाटर पल्यूशन होउची। नेक्स्ट नेवर ड्रेन ऑयल्स एंड फ्यूल्स आम के ऑयल आउ फ्यूल गुड़ाकू आम माटी को मिसाप देवानी बहुत समय डीजेल पेट्रोल अन्यान्य तेल सब तेल टाइप सब्सटेंस गुड़ाक ग्रीस अन्यान्य सब सब्सटेंस गुड़ाक इंजन ऑयल एटसेट्रा बहुत समय धोईकी पानी में मिसेकी माटी में पकई दौंती ड्रेन करके आम पानी की मिसई दौंती यह करवा द्वारा ये ऑयल आउ फ्यूल मिसा द्वारा से गुड़ाक धीरे धीरे डिग्रेड न होकर माटी तलकू पशि जाइए शेष में ग्राउंड वाटर एगुड़ाक कंटामिनेट करती। नेक्स्ट लाइन ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी चेक्ड आम जो चाष जमि एग्रीकल्चर रे कीटनाशक औषध प्रयोग कर पेस्टिसाइड्स केमिकल्स मैंने रासायनिक पदार्थ व्यवहार करवा आम सार प्रयोग कर सिंथेटिक बा केमिकल फर्टिलाइजर्स व्यवहार करते गुड़ाक ओवर यूज करानी आमर जी आवश्यक से मात्र आम जमि प्रयोग करवा यह सब केमिकल्स आम ताठू अधिका मात्र प्रयोग करवा ना जदि अधिका प्रयोग करवा सेगुड़ाक पुणी सरफेस वाटर पल्यूशन हम और पुणी से गुड़ाकूबा केमिकल गुड़ाक धीरे धीरे सिपिंग कर परकुलेट कर माटी तले अंडरग्राउंड व्वाटर को भूतल जल को प्रदूषण करेंगे से आम ए प्रिकसन नेवा दरकार। नेक्स्ट लाइन रिसाइक्लिंग ऑफ गार्बेज कंटेनिंग प्लास्टिक्स आम जो गार्बेज मान जो वर्ज्य वस्तु मान बाहर डंपिंग करवा प्लास्टिक रबर बैटरीज इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा रही सेगुड़ाक आम रिसाइक्लिंग करवा दरकार रिसाइक्लिंग मान एगुड़ाक कबाड़ी बाला को जदि आम प्लास्टिक रबर बैटरीज इलेक्ट्रॉनिक्स बिकिदबा ताले सही सामान गुड़ाक नहीं कि से जो कबाड़ी बाला विभिन्न प्रकार जो संस्था सब रही मैंने सब कलेक्ट कर युवाक प्लास्टिक इंडस्ट्री पाखे पहुँचाती कि बैटरी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो तैयारी से इंडस्ट्री पहुँचेदेवे से गुड़ाक तो से पुराणा और वर्ज्य वस्तु गुड़ाक से पुणी आउ थे रिसाइक्लिंग करूँ नुआ पदार्थ से करेंगे तेणु आम रिसाइक्लिंग विशेषकर ध्यान देवा दरकार प्लास्टिक्स रबर बैटरीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गुड़ाक आम व्यवहार करुवा टॉयज है कि जो आम प्रिंटर मानक व्यवहार कर इंक सिस्टम युवाक सब आम रिसाइक्लिंग से गुड़ाक यूज करवा दरकार रिसाइक्लिंग करने से गुड़ाक कबाड़ी बाला को बिक्री करवा दरकार कबाड़ी बाला को देदे दरकार बाहर डंपिंग कले से विभिन्न प्रकार केमिकल गुड़ाक धीरे धीरे लिचिंग होकर मटी मिसीब पुणी मटी से गुड़ाक परवर्त समय सरफेस व्वाटर में कि ग्राउंड व्वाटर को कंटामिनेट कर बुझीगला तेणु आम यू लैंडफिल्स जो लैंडफिलिंग सब्सटेंस गुड़ाक रही से आम ध्यान देवा दरकार प्लास्टिक केमती न रबर न बैटरीज न इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स गुड़ाक न रुड़ाक आम रिसाइक्लिंग पठेदेला बाकी जहाँ सामान रहा लैंडफिल्स से गुड़ाक जो गुड़ाक अर्गानिक काठी कुटा डाल पत्र कागज काठ एगुड़ाक आम रिसाइक्लिंग नक से गुड़ाक आम जदि लैंडफिल्स व्यवहार करवा तो धीरे धीरे से गोटे डिकम्पोज हो जाए पुणी मटे मिसीजी है तेणु रबर प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक को रिसाइक्लिंग करवा बाकी सब्सटेंस जो अर्गानिक अच्छी से गुड़ाक आम लैंडफिल यूज करें खाल जगह को समतल कर व्यवहार करोगुड़ाक धीरे धीरे डिकम्पोजिशन हो। नेक्स्ट लाइन रेडियो एक्टिव वेस्ट शुड बी सेफली डिस्पोज्ड डीप इनसाइड द अंडरग्राउंड विदिन सील्ड कंटेनर्स जो रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल गुड़ाक रोचे आम विभिन्न आटोमिक रिसर्च सेंटर गुड़ाक है आणविक जो गवेषणा केन्द्र रहा कि पावर प्लांट्स रहा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कि न्यूक्लियर वेपन फैक्ट्रीज जो आणविक युद्ध अस्त्र सब तैयारी बाहर तो वेस्ट मटेरियल गुड़ाक ठीक भाव भल भाव बड़ बड़ कंटेनर रे सील कर माटी तले से गुड़ाक पोतवा दरकार जदि से लिक् हुए ताल पुणी से गुड़ाक ग्राउंड वाटर रे मिसी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन गुड़ाक पल्यूशन क्रिएट करेंगे ग्राउंड वाटर रे।
नेक्स्ट लाइन लास्ट लाइन अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक शुड बी बिल्ड एज पर द रेगुलेटरी कंप्लायंस एवं माटी तले जो स्टोरेज टैंक आम तैयारी करूचु फॉर एग्जांपल सेप्टिंग टैंक्स लैट्रिन टैंकी एवं अन्यान जो स्टोरिंग करिया पे जो टैंक सब आम व्यवहार माटी तले तैयारी करूचु विभिन्न जिनस स्टोर करिया पे सेई गुडा को प्रॉपर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर अछि जो नियम अनुसार तैयारी करबा कथा सेई नियम कानून अनुसार से गुडा को यदि तैयारी करबा ताहाले सेतिरु कोनोसी प्रकार लीक हे केमिकल बा वेस्ट मेटल गुडा को माटी तले पानी को पॉल्यूशन बा कंटामिनेशन करिवो नाही बुझियाला ये हला हमरो कंट्रोल मेजर्स ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन बुझियाला गोटे लॉन्ग क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट आम पढ़ा मेराइन पॉल्यूशन पढ़ा मेराइन पॉल्यूशन ये जो मेराइन पॉल्यूशन कौन से विषय जानिबा प्रथमे आम सरफेस वाटर पॉल्यूशन विषय पढ़िले तापर द्वितीय ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन मु पढ़िली एबे आम थर्ड रे मेराइन पॉल्यूशन को पढ़िबा कौन मेराइन पॉल्यूशन माने समुद्र जल रे जदि प्रदूषण होउची बा कंटामिनेशन होउची ताहले ताको एठी कुआ होउची मेराइन पॉल्यूशन हला मेराइन पॉल्यूशन लुणी पानी रे जो प्रदूषण होउची केमिति होउची देखिबा से गुडा को मेराइन पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्ट सीवेज डोमेस्टिक सीवेज एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर आर द मेजर सोर्सेस एगुडा कहउची मेजर सोर्सेस ऑफ मेराइन पॉल्यूशन समुद्र जल प्रदूषण हबार मुख्य उच्च गुडा कहला इंडस्ट्री मानंकरु बा कलकारखाना रु बाहरुथबा वर्ज्य वस्तु इंडस्ट्रियल वेस्ट सीवेज इंडस्ट्री रु सीवेज बाहर थई पारे किंबा हमरो घर मानंकरु बाहर थबा वेस्ट वाटर हो पारे सीवेज सेटा देन डोमेस्टिक सीवेज रे केवल घर मानकर म्युनिसिपालिटी देकी कलेक्ट होतबा ए जो वेस्ट वाटर बुझला वेस्ट माने वर्ज्य पानी वर्ज्य जल बा वर्ज्य पानी एवं एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर चाष जमी रु जो पानीटा को बही आसुची से जो पानी रे मध्य बहुत मात्रा रे केमिकल पेस्टिसाइड्स रहुची तो ए सब सोर्स रु मुख्यतः आमर पॉल्यूशन होउची इन द ओशन और सीज हैला समुद्र रे बा जो आमर रहीची सी महासागर समुद्र ए सब थरे पानीटा दूषित होबार मूल कारण गुडा कहला इंडस्ट्रियल वेस्ट बा सीवेज डोमेस्टिक सीवेज एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाटर चाष जमी रु अधिक मात्रा रे बही आसुवा पानी हैला। अच्छा नेक्स्ट नाइन ऑर्गेनिक मैटर्स नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स व्हेन फ्लश्ड इनटू द सी वाटर बाय रिवर नदी देकी प्रायत ये सब जिनस गुड़ाक आसी समुद्र में मिसुची इंडस्ट्री रु बाहर थोड़ा वेस्ट मटेरियल कि टाउन रु बाहर थोड़ा वेस्ट मटेरियल बा एग्रीकल्चर रु चाष जमी रु बही आसुवा पानी ये गुड़ाक धीरे धीरे नदी में मिसे नदी नाल रे मिसंती पुणी से नदी देकी वेस्ट मटेरियल गुड़ाक आसी समुद्र में मिसुची एवं समुद्र जो मिसिला समुद्र में मिसिबा द्वारा समुद्र पानी एठी प्रदूषित होउची बा कंटामिनेशन होउची एथिरे कंटामिनेशन मुख्य अन्य कारण गुड़ाक हला कि नाइट्रेट एवं फॉस्फेट्स बुझेला बेसी मात्रा रे ऑर्गेनिक मैटर्स नाइट्रेट्स एवं फॉस्फेट्स गुड़ाक आसी समुद्र पानी रे मिसुची तेणु ता द्वारा समुद्र पानी कंटामिनेशन होउची बुझेला केमिति होउची आउ टिके आगे पढ़ा कंटामिनेशन हबार आउ टिके कौन मूल कारण सब अच्छे से विषय बुझा कोस्टल वाटर बिकम्स एनरिच्ड एंड यूट्रोफिकेशन अकर्स जिते बड़े नाइट्रेट्स आउ फॉस्फेट्स गुड़ाक बेसी बेसी मात्रा रे समुद्र को आसी मिसिबो बा नदी पानी देखिए फ्लो करी समुद्र रे मिसिबो समुद्र पानी रे न्यूट्रिएंट परिमाण बढ़ी जिवो समुद्र पानी रे ए सब न्यूट्रिएंट रो कंटेंट गुड़ाक बढ़ी गला जो गुड़ाक न्यूट्रिएंट कहा जाउची से गुड़ाक मुख्यतः प्लांट माने अब्जॉर्ब करी पारंती तेणु न्यूट्रिएंट शब्दटा को व्यवहार कराऊ कि जो सब्सटेंसटा प्लांट अब्जॉर्ब करती प्लांट कर ग्रोथ पे दरकार होगा न्यूट्रिएंट कहूँ तो नाइट्रेटा गोटे न्यूट्रिएंट कारण नाइट्रेटा प्लांट अब्जॉर्ब कर फॉस्फेटा गोटे न्यूट्रिएंट कारण प्लांटा फॉस्फेट अब्जॉर्ब कर और से गुड़ाक अब्जॉर्ब कर तार बायोमास रे से कन्वर्ट करुची बुझेला जितेबले वाटर बॉडी रे कंटेंट बढ़िबो वाटर रे न्यूट्रिएंट रो कंटेंट बढ़िला बा नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स रो कंटेंट बढ़िला ताहले सेठी यूट्रोफिकेशन होउची यूट्रोफिकेशन रो शॉर्ट नोट मु आकु पढ़ेबी तो यूट्रोफिकेशन माने हला न्यूट्रिएंट इंक्रीज इन द वाटर बुझौछि न्यूट्रिएंट बहुत अधिक मात्रा रे बढ़ी जिबाटा हला वाटर रे यूट्रोफिकेशन ताहा द्वारा कौन इफेक्ट हबो आमे बहुत सारे इफेक्ट अछि ताकु पढ़िबा
आउ किछि इफेक्ट एठी में एठी भी बुझे दउछि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हाई एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स ऑकर हैला एल्गी मानकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानकर एवं एक्वाटिक प्लांट मानकर ग्रोथ टाको बहुत अधिका हुए हाइड्रोफाइट गुडा कर ग्रोथ सडनली बा रैपिडली इंक्रीज करे जदि पानी रे न्यूट्रिएंट परिमाण बढ़ी जाए ता माने दिस इंड्यूसेस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सी वीड्स ता माने हला ए न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़िबा द्वारा जो सी वीड समुद्र रे जो थिबा बाळुंगा रहिछि सी वीड्स को आउछि समुद्र बाळुंगा को आउछि बा समुद्र शैवाल एगुडा को बहुत रैपिडली ग्रो करिबा द्वारा सेमानकर जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होउछि ताहा द्वारा बहुत समय रे समुद्र रे अल्गल ब्लूम्स होउछि एवं रेड टाइड्स क्रिएट होउछि मुख्यतः समुद्र रे रेड एल्गी माने बहुत भलो भाव रे ग्रो करंती आ से जो रेड एल्गी सब गुडाक अधिक न्यूट्रिएंट पाइबा द्वारा तांकर ग्रोथ रैपिडली हुए अनकंट्रोलेबली हुए ताहा द्वारा कोन हो पहाड़ भलिया रेड एल्गी गुडाक समुद्र भितरे जमा ही जांती ता माने जेतेबेले दूर रु कोनोसी जहाज रु देखा जीव कि समुद्र भितरे लाल लहड़ी मारुची बेले देखा जीव बा लाल लाल समुद्र भितरे देखा होची बेले जणा पड़िबो बुझला समय समय रे तमे देखिबो कृष्णचूड़ा गछटा जेतेबेले तमरो फूल फुटुची दूर रु पूरा तार पत्र किछ जणा पड़िबो ने केवल चारि फुटु खाली लाल जणा पड़िबो सेमति पलास गछर जदि तमे दूर रु देखिबो जेतेबेले फूल फुटे तार चारिडे खाली लाल जणा पड़िबो किछ पत्र जणा पड़े नै ता माने सेटा होची ब्लूमिंग हेछि बोली कह जाउची ब्लूमिंग हेछि बुझला से टाइप रो जदि दूर रु खाली लाल जणा पड़िला समुद्रटा भितरु जेतले देखा जीव दूर रु देखा जीव कि लाल गोटे पहाड़ उठिला पड़िला भले जणा पड़ुची ताल सेटा लाल लहड़ी मारुची बोली कह जीव बा दूर रु रेड जणा पड़ुची माने सेटा हला अल्गी ब्लूम्स हेछि बोली कहंती बा अल्गल ब्लूम्स हेला बोली कह जाउची माने बहुत अधिक मात्रा रे अल्गी बा शैवाल रेड अल्गी गुडाको गोटे जगह रे ग्रो करिसंती सेतिपे सेई जो रेड एल्गी रो मासटा को ढेउ गला बळुको आसिरा बळुको सेगुडा को ऊपर तळ हेबा द्वारा हमकु रेड टाइड सि भिला जणा पडछ लाल लहड़ी मारछ भिला जणा पडिबो बुझियला एटा कहूछि अल्गल ब्लूम्स एंड रेड टाइड्स नेक्स्ट लाइन द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टॉक्सिक एल्गी किल्स मेराइन ऑर्गेनिज्म एनमास एनमास माने हला समूले बुझेला समूले माने हला बहुत अधिका मात्रा रे बहुत अधिका मात्रा रे जदि गोटे जगह रे रेड एल्गी बहुत अधिका ग्रो करि जाइछन्ति त प्रत्येक रेड एल्गी पाखरु किछि किछि टॉक्सिक केमिकल सिक्रेट हे थे प्रत्येक एल्गी रु किछि किछि टॉक्सिक केमिकल सिक्रेट हुए जति कि टॉक्सिक केमिकल सिक्रेट हबो गोटे जगह रे बहुत एल्गी थिबा तो बहुत लेखा केमिकल सिक्रेट हबो त सेई जो केमिकल संस्पर्श जेतेले गोटे दळ माछटे जदि पहुँचि गेला ताले सेई केमिकल संस्पर्श आसी कि सब दळ भितर थिबा सब माछ गुडा को आइदर मरिजिबे नहले से गुडा को पागल भले हेजिबे बुझेला तो एटा को होची दे किल ऑर्गेनिजम्स एंड मास माने पूरा बहुत संख्या रे माने मारी दी पारंती बुझेला जो टॉक्सिक सब्सटेंस बा विषटा को तीर होची एल्गी मानक पाकरो सेई विष संस्पर्श रे आसी बहुत अधिक संख्या रे एक्वाटिक एनिमल गुडा कर मृत्यु हेई थाय नेक्स्ट लाइन द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑल्सो कॉजेस इंक्रीज इन बीओडी जदि अधिक मात्रा रे एल्गी माने ग्रो करचंती पानी रे ताले से माने पानी रे डीजल होई किथिबा ऑक्सीजन सबकु बेसी बेसी मात्रा रे टाणी नै जिवे तेणु सेही पानी रे एल्गी माने ऑक्सीजन नै गला परे आउ बहुत कम मात्रा ऑक्सीजन रहिबो अन्य ऑर्गेनिज्म माने नबा भलिया सेति पई एठी ऑक्सीजन शॉर्टेज सिचुएशन क्रिएट हला बुझियला शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड सिक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स हेला बीओडी माने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एल्गी मानकर द्वारा अधिका अधिका ऑक्सीजन अब्जर्व हबो तापरे शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हबो ऑक्सीजन से जगह शॉर्ट हि जीवो एवं से एल्गी मानकर द्वारा किछि विष मध्य सेठी क्रिएट हला तो ए सब गुडा को होउची ड्यू टू अधिका मात्रा रे एक्युमुलेशन ऑफ नाइट्रेट एवं फास्फेट नाइट्रेट फास्फेट बढ़िबा द्वारा ए सब इफेक्ट होउची देन ऑयल स्पिल्स ऑल्सो ए मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ मेराइन पॉल्यूशन मन रखे पड़ो ऑयल स्पिल माने जो समुद्र रे विभिन्न टैंकर द्वारा बाहर देशरु अरब कंट्री गुडा करु आमे क्रूड ऑयल आणुचु किंबा पाइपलाइन देखि क्रूड ऑयल अणा होची तो से पाइपलाइन रु लीक हेबा द्वारा किंबा जहाज गुडा करु ए जो तेल सब छिटिकी समुद्र रे पड़ीबा द्वारा
ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଏଲ୍ ସ୍ପିଲ୍ସଟାକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ମେଜର୍ କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ମେରାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ବୁଝିଲା। ମେରାଇନ୍ ୱାଟର୍ରେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଅଏଲ୍ ସ୍ପିଲ୍ ସେଇଟା କୁହାହେଉଛି କି କିଛି ତେଲ ଛିଟିକି ପଡ଼ୁଛି ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ମାନଙ୍କରୁ ବା ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଏଲ୍ ସ୍ପିଲ୍ସ, ହେଲା। ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଏଲ୍ ସ୍ପିଲ୍ସ, ହେଲା, ଅଏଲ୍ ସ୍ପିଲ୍ ୟାକୁ କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସନ୍ ଭାଲଡେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଏଲ୍ ୱେଲ୍ ଅଫ୍ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମେକ୍ସିକୋ 2000 ବ୍ୟାଡ଼ଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ମେରାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ଆଉ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କି ଏକ୍ସନ୍ ଭାଲଡେଜ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜ, ଏକ୍ସନ୍ ଭାଲଡେଜ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଇଏ କ୍ରୁଡ଼ ଅଏଲ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ। ତେଣୁ ଏହାର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁତକ ଅଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଗଲା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପଲ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଗଲା, ହେଲା। ସେମିତି ଯେଉଁ ତୈଳକୂପ ଅଛି ମେକ୍ସିକୋ ପାଖାପାଖି, ସେଇ ମେକ୍ସିକୋ ପାଖାପାଖି ଥିବା ତୈଳକୂପରେ ମଧ୍ୟ 2010ରେ ନିଆଁ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା, ସେଇ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ଯୋଗୁଁ କେତେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଟନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଇସବୁ କ୍ରୁଡ଼ ଅଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ମିଶେଇଲା, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଲା। 2010ରେ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଇଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସମୁଦ୍ରରେ, ମେରାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ମେଜର୍ ଇଫେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍, ସମଟାଇମ୍ସ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱେଷ୍ଟ ଲିକ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସି ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଦିଆର୍ ଆୟୋନାଇଜିଂ ରେଡ଼ିଏସନ୍ସ ଆଫେକ୍ଟ ସିଭିୟରଲି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡମ୍ପିଂ କରୁଛୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଡମ୍ପିଂ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ ଲିକ୍ ହୋଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି କିମ୍ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ମିଶୁଛି, ବୁଝିହେଲା। ବହୁ ସମୟରେ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପକା ହେଉଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଜାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ମିଜାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରୁ ମିଜାଇଲ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଇନର୍ ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଭଦ୍ରକ ପାଖରୁ। ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଛଡ଼ାଗଲା ସେ ମିସାଇଲ୍ସ, ଯଦି କୌଣସି ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍, ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, ଆଇସୋଟୋପ୍ ଥିବ, ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସର ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଆଲଫା ବିଟା ଗାମା ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ମିଶିବ, ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ମିଶିଲେ ଏଇ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ କରିକି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋନାଇଜିଂ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଲଫା ରେଡ଼ିଏସନ୍, ବିଟା ରେଡ଼ିଏସନ୍, ଗାମା ରେଡ଼ିଏସନ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଆୟୋନାଇଜିଂ ରେଡ଼ିଏସନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଣିରେ ମିଶିଲେ ପାଣିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପାଖାପାଖି ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ଇଏ ସବୁ ହେଲା ଆମର ମେରାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏତିକି ଜିନିଷ ତୁମକୁ ମେରାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏତିକି ହେଲା ମେରାଇନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍।